बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारी किचन में बन रहे हैं चिकन रेशमी कबाब, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आइए उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। चिकन हमें चाहिए आधा किलो, चिकन का कीमा हमें चाहिए आधा किलो। दो प्याज हमें चाहिए जो बिल्कुल बारीक हुई हुई हों, उसमें पानी ना हो बिल्कुल भी। चार पाँच हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने कूट लिया है। ये पुदीना है, हरा धनिया है, इसको भी मैंने बिल्कुल कूट लिया है। अदरक लहसुन है 2 टेबल स्पून, और मक्खन है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून क्रीम है, नमक हसबे ज़ायका। मसालों में है 1 टेबल स्पून खोपरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, धनिया और साबुत धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। सबसे पहले ये प्याज हम इसमें अपने डाल देंगे। अदरक लहसुन डालेंगे 2 टेबल स्पून है। ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने कूट लिया था, इनको भी, ये भी 2 टेबल स्पून है। हरा धनिया पुदीना है, ये भी मैंने बारीक कूट लिया था, ये भी 2 टेबल स्पून है। ये खोपरा है 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले हम सूखे मसाले भी डाल देंगे। क्रीम है 1 टेबल स्पून, ये भी डाल देंगे। नमक जाएगा हसबे ज़ायका, हज़िया हसबे ज़रूरत, जिसकी आप जितनी आपकी ज़रूरत है। ये मक्खन है तकरीबन 2 टेबल स्पून मक्खन जाएगा इसमें। ये सभी बटर आप ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद है घर में। इसको हाथों से हम अच्छे से मिक्स करेंगे, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए व्यूअर्स, हमने इसको तकरीबन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और तकरीबन हम इसको आधे घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको बनाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमें आधा घंटा हो गया है। हमने अपने जो कीमा रेशमी कबाब का मैरिनेट करके रखा था, ये मैंने कबाब बना लिए हैं और एक दो आपके लिए छोड़े हैं ताकि आपके सामने मैं बना सकूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथों पर, ऑयलिंग कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो गई है। अब ये आपका अपनी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कितना बड़ा आपने बनाना है। ऐसा 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 से बनाएंगे। इस तरह इसको निकालेंगे, जो शेप आपने देनी है वो शेप देखे साइड में रखते जाना। इसी तरह एक और लेंगे। आपने पतले बनाने हैं आप पतले बनाएं, आपने मोटे बनाने हैं आप मोटे बनाएं, इसलिए कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये और पतले हो जाएंगे, शेरिंग हो जाएंगे बिल्कुल, तो वो बिल्कुल पतले पतले से अच्छे नहीं लगते, वो बस इसलिए मैंने ये मोटे बनाए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे भी बना लें। इस तरह बना के ये इस तरह आपने चिपका के बिल्कुल आहिस्ता से उतारना है। आप बड़ी वाली सीखे ले लें, आप स्टिक ले लें, कुछ भी ले लें, इस तरह रखते जाएं। इस तरह करें, ये आखिरी तरह थोड़ा ज़्यादा हो गया,
आप इसको कच्चा ही फ्रीज़र कर सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक में उसमें रख के आप इसको रमज़ान के लिए आप इसको फ्रीज़र करके रख सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ये कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इनको ऐसा करते हैं फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं हम इनको, और हम फिर आपको थोड़ा सा जब ये बिल्कुल जम जाएंगे फिर हम इनको फ्राई करके दिखाएंगे। मानी रही देखिए व्यूअर्स, आपने अब कबाब फ्राई करेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, बस पहले हल्की आँच पे इनको हम फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा आँच तेज करके इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं, हमारे कबाब फ्राई हो गए, कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बिल्कुल नरम है। अब मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे, बिल्कुल नरम हमारे रेशमी कबाब तैयार हैं। आइए इसको मैं डिश आउट करती हूँ। देखिए बस, हमारे रेशमी कबाब तैयार हैं, बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट हमारे कबाब, बहुत ही टेस्टी स्पाइसी कबाब हमारे बने हैं ये। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।